हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफिल स्टडी में। तो जैसा कि आप जानते हैं, कल ही रेलवे ग्रुप डी का आंसर की आ चुका है। आप लोगों ने चेक भी कर लिया होगा, लेकिन कई सारे लोग ये नहीं जानते हैं कि अपना रैंक कैसे चेक करें, और ये रैंक जो है लगभग सही होता है, इसलिए आप लोग को ज़रूर चेक करनी चाहिए। अभी आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा रैंक कैसे चेक करेंगे, ऑब्जेक्शन कैसे करेंगे, या फिर अपना आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, सब कुछ डिटेल में हम लोग बात करेंगे। चलिए, पहले आपको आ जाना है किसी भी रेलवे बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जैसा आप यहां पे देख पा रहे हैं, ये भोपाल का ऑफिशियल वेबसाइट है, और यहां पर आने के बाद आपको नीचे आना है। तो यहां पर देखेंगे कि एक लिंक आपको मिलेगा, ये वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, लिंक फॉर व्यूइंग क्वेश्चन पेपर। तो यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस पर, तो एक नया पेज खुलेगा, और देखिए नया पेज जो है, इसमें आपको अपनी डिटेल भरनी है। ठीक है, जैसे कि यहां पर लिखा है कैंडिडेट के बारे में डिटेल भरनी है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे डेट, यहाँ पे मंथ, यहाँ पे ईयर, यानी कि जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है वो, यहाँ पर महीना डालना है, और यहाँ पर साल डालना है। इस तरीके से आप जब ये डाल देंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भर देंगे, तो आपका खुल जाएगा नया पेज। अब मान लेते हैं आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, यानी कि खो गया है, तो कैसे पा सकते हैं? तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड में मिलेगा, आपके ईमेल में मिलेगा, या फिर आपके मोबाइल नंबर में मिल सकता है। मोबाइल पर भी मैसेज आया होगा, तो उस पर भी मिलेगा। तो आप ये सारे चीज़ों को चेक कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर लॉगिन करना है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर डिटेल भर के। तो देखिए, हमने अपना डिटेल यहाँ पर, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा उसको भरना है। भरने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन का एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इस लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अब क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलता है, तो चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या पेज खुलेगा। तो देखिए, क्लिक करने के बाद एक नया पेज यहाँ पे खुला है, और इसमें कैंडिडेट का डिटेल रहता है। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे है कैंडिडेट डिटेल, तो कैंडिडेट डिटेल में आपको पहले यहाँ पे आरआरबी का डिटेल मिलेगा, किस आरआरबी जोन से आपने भरा है फॉर्म। उसके बाद कैंडिडेट का नाम मिलता है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है। तो किसी कैंडिडेट का ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसलिए इसको हाइड कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर फादर नाम रहता है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, कैंडिडेट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर आपको क्लिक करना है, यहीं पर आपको जानकारी मिलेगी। ठीक है, और इसके बाद मतलब यहाँ पे आपको आंसर की मिलेगा, इसके बाद आप रैंक चेक कर सकते हैं अपने आंसर की के लिंक से। और फिर यहाँ पे देखिए एक ऑब्जेक्शन का भी लिंक एक्टिव हो चुका है, तो ऑब्जेक्शन भी आप कर सकते हैं आज से। कैसे करेंगे वो भी समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स से आंसर की कैसे डाउनलोड करते हैं। ओके, तो देखिए जैसे ही आप कैंडिडेट रिस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर एक देखिए यहाँ पे मैसेज दिख रहा होगा, टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर लेवल वन क्लिक हियर टू जेनरेट इट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने से आपका आंसर की जेनरेट हो जाएगा, और फिर आप उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करके हम लोग देखते हैं क्या आंसर की आया है। तो देखिए वहाँ पर जैसे ही हमने क्लिक किया, ये इस तरह का आंसर की जेनरेट हो गया। अब यहाँ पर आप इसको देखिए, ऊपर में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो सर्च बार होता है, यहाँ पर एक लिंक दिख रहा है, तो इसी पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक क्लिक करना है केवल, और क्लिक करने के बाद देखिए किस तरीके, जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यानी कि आप अब क्या कर सकते हैं, यहाँ से ध्यान रखना है आपको कि जो क्लिक करने के बाद, तो चलिए यहाँ पर एक बार हम लोग क्लिक करके देखते हैं कि क्या आता है। तो यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे, तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीन ये डॉट आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे एक शेयर का ऑप्शन है, ये कॉपी का ऑप्शन है, और ये है कुछ एडिट करना चाहते हैं उसका ऑप्शन। ठीक है, तो हम लोग को एडिट से तो मतलब नहीं है, हम लोग चाहे तो शेयर कर सकते हैं इस लिंक को, या फिर कॉपी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं। अब जैसे ही ये कॉपी हो जाएगा, या फिर आप चाहते हैं किसी दोस्त को शेयर करना, अपने खुद का कहीं पर शेयर करना, तो आप इसको शेयर करके भी रख सकते हैं, या फिर कॉपी जो करेंगे
लेंगे उसको भी कहीं सेव करके रख सकते हैं। तो ये ज़रूर संभाल के रखिएगा क्योंकि यहीं से आपका रैंक पता चलेगा। तो इस ये लिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इस लिंक को हमने कॉपी कर लिया। ओके, तो देखिए कॉपी जैसे ही कर लिया इसके बाद का प्रोसेस समझते हैं। अब आप चाहते हैं कि इस आंसर की को डाउनलोड करना या प्रिंट करना, तो आपको आना पड़ेगा ऊपर में। यहाँ पे देखिए एक प्रिंट का ऑप्शन दिखेगा और जूम करेंगे तो ये जितना जूम करेंगे उतना बड़ा होते जाएगा। इस प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो प्रिंट का ऑप्शन आएगा। चलिए वो भी आपको दिखा देता हूँ, जो जब आप प्रिंट करेंगे तो कैसा इंटरफेस आएगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से कुछ आपको देखने को मिलेगा और आप यहाँ पर जितनी प्रिंट चाहते हैं उतना ही कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, 39 कुल पेजेज हैं, 39 पेजेज हैं और ये पांचवा नंबर पेज है। तो आप चाहते हैं कि इस पेज को हम ना करें प्रिंट, तो फिर क्या करना होगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो ये देखिए माइनस दिखाने लगा ना, इसका मतलब है माइनस दिखा रहा है, यानी कि ये वाला पेज प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए टिक का साइन दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही आप इस पर भी क्लिक करेंगे एक बार तो ये भी माइनस में चला जाएगा। देख लीजिए एक और उदाहरण, देखिए मैंने क्लिक किया तो क्या हुआ, यहाँ पर भी माइनस दिखाने लगा। इसका मतलब ये सब प्रिंट नहीं होगा। अगर आप पूरा पेज प्रिंट करना चाहते हैं तो फिर इसको एक बार और क्लिक करेंगे तो ये देखिए प्लस हो गया। इसको भी क्लिक करते हैं तो देखिए ये साइन हो गया, यानी कि ये प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है पीडीएफ का, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद जो एक नया आपके पास आपके सामने इस तरह से प्रीव्यू प्रिपेयरिंग प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा और फिर आपको वो फाइल सेव करने को बताएगा कि कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं। इसके बाद फिर आप रीनेम करके उसको सेव कर दीजिए जहाँ पर भी आप सेव करना चाहते हैं। ठीक है, दिखे इस तरीके से आपका जो भी फाइल है वहाँ पर अपना नाम यहाँ पे लिख के, चाहे तो आप जैसे कि यहाँ दिखा रहा है तो आप यहाँ पे नाम भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा नाम हटा सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, देखिए इस तरीके से ये डबल क्लिक करने के बाद सेलेक्ट ऑल, आप एक यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हैं सेलेक्ट ऑल का, तो वो सेलेक्ट ऑल आपको करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए ये पूरा डबल क्लिक करने से भी हो जाएगा या फिर सेलेक्ट ऑल करेंगे उसके बाद इसको हटा देंगे। फिर यहाँ पर जो आप लिखना चाहते हैं, जो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे लिखना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी, तो आप लिख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी। ठीक है, रेलवे ग्रुप, तो इस तरीके से आप जो है इसको सेव कर दीजिए और उसके बाद डन कर दीजिएगा और फिर ये सेव हो जाएगा। ठीक है, फिर वो अपने आप आ जाएगा। तो जब आप वापस आ गए तो उसके बाद फिर आपको बैक जाना है। जैसे ही आप बैक क्लिक करेंगे फिर आप उसी ऑप्शन पर आ जाएंगे जहां पर पहले थे। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए फिर से वही तीन यहां पर हमें हेडिंग दिखा रहा है, कैंडिडेट डिटेल्स, कैंडिडेट रिस्पॉन्स और ऑब्जेक्शन। तो अगर मान लेते हैं आपको ऑब्जेक्शन करना है तो वो कैसे करेंगे अभी बता देता हूँ, फिर उसके बाद रैंक चेक कर लेंगे हम लोग। तो देखिए ऑब्जेक्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये रिस्पॉन्ड करेगा इस पूरे पर। तो देखिए इस तरीके से ये इंटरफेस खुल के आएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ऑप्शन दिखा रहा है क्लिक हियर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्शन करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा और ध्यान रखें एक क्वेश्चन के लिए ₹50 आपसे लिए जाएंगे। अगर वो क्वेश्चन सही होता है तो आपके पैसे तो रिफ़ंड आ जाएंगे, लेकिन गलत होता है तो फिर कोई पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखें, अगर लगता है ऑब्जेक्शन करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन करके बताता हूँ कैसे करना चाहिए। तो देखिए क्लिक करने के बाद इस तरीके से देखिए ये कुछ देर का प्रोसेस है, कुछ सेकेंड का है और ये जैसे ही कम्प्लीट होगा फिर आपका नेक्स्ट
प्रोसेस चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डिटेल रहेगा और इसमें ऑटोमेटिकली भरा रहता है, आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल वन यहाँ पे रहता है, फिर डेट ऑफ एग्ज़ाम यहाँ पे आपको देना पड़ेगा किस दिन आपका एग्ज़ाम था, फिर शिफ्ट यहाँ पर देना पड़ता है। हालाँकि ये सब कुछ खुद ही वो दे के रखता है। हाँ, यहाँ से आपको चेंज करना है इस ऑप्शन को, ठीक है। लिखा है सेलेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जेक्शंस, कितने क्वेश्चन आपके डाउट में हैं और कितने आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करना है। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दिखाता है, आपको दिखा दूँ। देखिए 1, 2, 4, 5 यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, कम से कम 10 ऑब्जेक्शन आप कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट यहाँ पे 10 ऑब्जेक्शन ही कर पाएंगे, ये देखिए लास्ट 10 है, इसके बाद कोई और ऑप्शन नहीं दिखा रहा है। तो कम से कम 10 आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, नहीं यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे कम नहीं कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, कम से कम 1 करना होगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10, ठीक है। और पेमेंट का यहाँ पे बात कर ले तो पेमेंट ऑनलाइन ही हो सकता है और कोई ऑप्शन दे नहीं रहा है। तो ऑनलाइन यानी कि आप अपना ATM से कर सकते हैं और या फिर UPI ID है तो उससे भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन के लिए आपको पता है, चलिए मैं यहाँ पे पहले क्लिक करके देख लूँ क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे डाल दूँ। जैसे 2 क्वेश्चन हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया कि हमको 2 क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन करना है। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे जैसे ही सेलेक्ट किए, क्वेश्चन ID पूछ रहा है, जैसे हमने वहाँ पे दिखा था, ठीक है। मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ क्वेश्चन ID होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पे सारे क्वेश्चन आईडी हैं। अब ये सब आईडी है क्या, तो एक बार देखिएगा, आपको दिखाता हूँ। जो आप आंसर की डाउनलोड किए हैं उसी में क्वेश्चन आईडी रहता है, तो चलिए दिखाता हूँ आपको क्वेश्चन आईडी क्या होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर आप जैसे ही अपना आंसर की खोलेंगे, जहाँ पे प्रिंट आपने जो किया था उस प्रिंट में जैसे ही आप आएंगे, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन तो इस तरह से आपको मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सब दिया हुआ है। आपको लगता है कि मेरा 4 नंबर जो है वो मैंने किया है, और इसमें आंसर जैसे कि यहाँ पे ये तो रेलवे का आंसर है जो कि यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है, और आपका आंसर यहाँ पर है जैसे कि आपने चुना है 4, तो 4 और 4 दिखा रहा है, इसका मतलब कि सही है आपका। लेकिन मान लेते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि इन्होंने किया है इस क्वेश्चन को, तो इनका आंसर क्या है, रेलवे का आंसर कहता है कि 1 नंबर होना चाहिए, लेकिन इस कैंडिडेट ने जो आंसर दिया है वो ऑप्शन नंबर 4। तो अगर इनको लगता है कि मेरा सही है तो ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपको ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, यहीं पर है क्वेश्चन आईडी। देखिए ये है क्वेश्चन आईडी, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन आईडी है, ठीक है, ऑप्शन आईडी ये सब है। तो ये आपके काम के नहीं है, ये चारों जो है आपके काम के नहीं है, आपके काम की बस क्वेश्चन आईडी है, ठीक है। इन सब का कोई मतलब नहीं है, आपके काम का बस ये है, इसको याद रखना है। और जैसे आप ऑब्जेक्शन करेंगे इस क्वेश्चन आईडी को ही याद रखना है, ठीक है, इसको लिख लेंगे संग में और फिर वहाँ पर यूज करेंगे। तो चलिए आपको दिखाता हूँ क्या था क्वेश्चन आईडी। जैसे यहाँ पे हम लोग को ये दिखा है 9116, तो ये क्वेश्चन आईडी है क्या, उसमें देख लेते हैं एक बार। तो जब आप क्वेश्चन आईडी ढूंढेंगे तो देखिए यहाँ पे पूरा लिस्ट होगा, आपको खोजना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन आईडी हमको चाहिए और मेरे काम की है। तो यहाँ पर कोई भी आप अभी हम लोग मान लेते हैं एग्जांपल से, हालांकि 9116 वाला आईडी हमने देखा था, तो उस तरीके से देखिए यहाँ से बहुत खोजना पड़ेगा, तो उतना हम लोग खोजते नहीं हैं, एक कोई भी आईडी ले लेते हैं। और इस तरीके से चलिए हमने इसको ले लिया, ठीक है। अब इसके बाद बोला है, देखिए क्या लिखा है कि सेलेक्ट लैंग्वेज इन विच क्वेश्चन वाज आंसर्ड, आपने किस भाषा में आंसर किया है उसका भी ध्यान रखना है। तो वहाँ पर क्वेश्चन जो था वो हिंदी में था, तो यहाँ से यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से भाषा चुनना है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे देखिए भाषा आ रहा है हिंदी या फिर इंग्लिश, ठीक है, दो ही भाषा आ रहा है, हिंदी या इंग्लिश। तो चलिए हम लोग क्लिक करते हैं हिंदी पर। अब हिंदी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आ रहा है, नेचर ऑफ ऑब्जेक्शन, यानी कि आप ऑब्जेक्शन किस लिए कर रहे हैं, क्या गलती आपको दिखा है। तो चलिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ऑप्शन आएंगे, उनको देखते हैं। देखिए ऑप्शन जो है कुछ इस तरीके से है, ऑल ऑप्शन इनकरेक्ट, कहने का मतलब है कि क्या सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं,
फिर उसके बाद इनकरेक्ट या एम्बिगस क्वेश्चन, क्वेश्चन गलत है, मल्टीपल करेक्ट आंसर या फिर बहुत सारे आंसर सही हैं, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगला है ऑप्शन इनकरेक्ट आंसर की, कि जो रेलवे ने आंसर दिया है वो गलत है, या फिर रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन इन सेम सेट, उसी सेट में जो है क्वेश्चन रिपीट कर गया, तो क्या है आपके ऑब्जेक्शन का कारण, ये पांचों में से आपको एक पर क्लिक करना है, ठीक है। तो इन पांचों में से कोई भी एक क्लिक करेंगे, चलिए हमने मान लिया आंसर की कि रेलवे का आंसर गलत है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे इनकरेक्ट आंसर की, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब क्लिक करने के बाद देखिए एक और यहाँ पर ऑप्शन आ गया, और ये ऑप्शन क्या है, कह रहा है इंटर करेक्ट ऑप्शन आईडी एज पर कैंडिडेट। आपको क्या लगता है कौन सा सही है आंसर, ठीक है, यानी कि उसका जो ऑप्शन आईडी यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो ऑप्शन आईडी जो हमने देखा था वो यहाँ पर यूज आ गया, लेकिन बाकी जब ऑप्शन आप यहाँ पे करेंगे तो इसमें ये इसका यूज नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि इस तरीके से हमने लिख दिया इनकरेक्ट एम्बिगस, तो देखिए यहाँ पे वो हट गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप आंसर ऑब्जेक्शन कर रहे तब आपको ऑप्शन का आईडी लगेगा, अदरवाइज नहीं लगता है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि आपको ऑब्जेक्शन करना है, तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इनकरेक्ट आंसर की, तो फिर आपको ये देना पड़ेगा आंसर ऑप्शन आईडी नंबर, ठीक है। जो हमने देखा था 1 2 3 4 में ऑप्शन आईडी था वो यहाँ पर रख देना है, ओके। अब इसके बाद फिर कोई ऑप्शन नहीं आएगा, इसके बाद ये लास्ट है, देखिए डू यू वांट टू ऐड रिमार्क, क्या आप कुछ अपने तरफ से बोलना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप अगर कहना चाहते हैं कुछ तो यस लिखेंगे, नहीं कहना चाहते हैं तो नो लिखेंगे। अब चलिए हम लोग अगर यस लिखते हैं तो क्या आता है देखते हैं। देखिए यस लिखने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आ गया कि आप लिखिए क्या लिखना चाहते हैं, इस बॉक्स में लिख कर बताइए आप आपके अनुसार क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं कुछ भी, ठीक है। अब उसके बाद जैसे ही नीचे आएंगे, आपको पेमेंट के बारे में पूछ रहा है, देखिए ऑनलाइन पेमेंट करना है, यही मात्र एक ऑप्शन ही है, और आपको 100 रुपये लगेंगे क्योंकि आपने ऊपर में 2 क्वेश्चन चुने थे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन के लिए 100 रुपये। उसके बाद फिर आपको देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर दिखेगा सबमिट का, तो सबमिट पर क्लिक कर देना है, और इसके बाद ऑब्जेक्शन हो जाएगा। आपका पैसा के लिए ऑप्शन आएगा कि पैसा आपका कैसे कटेगा, ठीक है, यानी कि वो UPI आईडी दे देंगे, ATM दे देंगे, किसी तरीके से जिस मेथड से आप पैसा अपना कटाना चाहते हैं वो ऑप्शन देगा, और उसके बाद पेमेंट के बाद आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस था ये ऑब्जेक्शन का। अब चलिए हम लोग रैंक चेक करते हैं कि रैंक कैसे चेक कर सकते हैं। रैंक चेक करने के लिए आपको आना पड़ेगा गूगल में, और गूगल पर आने के बाद यहाँ सर्च बार जो है इस पर क्लिक करना होगा, और यहाँ से हम लोग सर्च करेंगे रैंक IQ, ठीक है, रैंक IQ। और जैसे ही रैंक IQ चेक करेंगे, इसके साथ साथ और भी चीज़ जोड़ दीजिए, ग्रुप D, ठीक है, ग्रुप D पर क्लिक करने के बाद रैंक IQ ग्रुप D, इतना क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये जो फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है यहीं पर आपको क्लिक करना है, ठीक है, ये लिंक है इस पर आपको क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद फिर एक रैंक का ऑप्शन खुलेगा, उसको अभी हम लोग देखेंगे। आप इस लिंक को टेलीग्राम ग्रुप से भी पा सकते हैं, और रैंक IQ का भी अपना टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से भी पा सकते हैं, या फिर आप हम लोगों के ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी पा सकते हैं। मैं इसका लिंक अपलोड कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्लिक करते हैं लिंक पर। जैसे ही हमने यहां पर क्लिक किया, देखिए ये साइट खुलेगा, और खुलने के बाद जो आपने, ठीक है, आपने जो लिंक URL, ठीक है, यहां पे देखिए क्या कह रहा है, ये रेस्पॉन्स URL, यानी कि जो आपने URL दिया था उसको यहाँ पर भरना है, जो हमने कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। तो पेस्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जोर से आपको एक बार क्लिक करके रखना है, फिर पेस्ट का ऑप्शन आएगा, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए पेस्ट का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है ये, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, पेस्ट पर। पेस्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपने आप यहाँ पर
अगर क्लिक रहेगा तो वो ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए दिखाता हूँ आपको एक बार फिर से। तो देखिए मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, देखिए पेस्ट हो चुका है हमारा लिंक। अब उसके बाद फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पर कैटेगरी भरना है। ध्यान रखिएगा कि आप एक बार कैटेगरी भर देंगे फिर उसको बदल नहीं सकते, इसीलिए ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान से इसको फिल करिएगा। कैटेगरी में आपको फिल करना है अपना कैटेगरी, जैसे कि यहाँ पर देखिए ऑप्शन है UR है, EWS है, OBC है, SC ST क्या है। तो चलिए हम यहाँ पर भर देते हैं UR। ठीक है, ये जिस कैंडिडेट ने भेजा है उनका जो कैटेगरी है वो UR है, तो हमने यहाँ पे UR भर दिया। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, ये क्या होता है? तो यानी कि जो PH होते हैं, बाकी कैटेगरी देखें CCAA, एक्स सर्विसमैन, इन सब का ये रिजर्वेशन अलग होता है। तो अगर आप इनमें से कोई हैं, VH हैं, OH हैं, तो ये सब ऑप्शन चुन सकते हैं, नहीं तो नन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आगे बढ़ जाना है। अब यहाँ पर आइए जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक बार आप इसको भर दीजिएगा तो फिर दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए ध्यान से इसको भरिएगा। अब इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने जोन हैं सब यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इन कैंडिडेट का यहाँ पे भुवनेश्वर है इनका, तो हमने भुवनेश्वर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक पासवर्ड है, ठीक है, तो पासवर्ड आप क्या लिख सकते हैं, कुछ भी 1 2 3 4 कोई भी एक पासवर्ड दे दीजिए, 5 6 जो आपको लगे कि याद रहता है वो पासवर्ड यहाँ पर भर देना है। और भरने के बाद ठीक है यहाँ पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद देखिए एक यहाँ पे ऑप्शन है आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन, इस पर तो आपको टिक ज़रूर करना है, आप चाहें तो इसका टिक हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है सेकंड नंबर, इसका टिक हटा सकते हैं या फिर रहने दीजिए। ये जो क्यू रैंक IQ है, इस ये क्या करेगा, आपके आंसर की से ये अपना क्यूज फॉर्म बना सकता है, क्यूज करवा सकता है आपके क्वेश्चन को लेकर, इसीलिए आपसे परमिशन मांग रहा है। तो इसमें कोई ख़राब बात नहीं है, बेचारा इतना अच्छा सर्विस आपको दे रहा है, तो आप चाहें तो इसको टिक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है सबमिट पर, ठीक है, लॉगिन नहीं करना है, सबमिट पर क्लिक करना है। चलिए सबमिट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ठीक है क्या खुलेगा देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप करना चाहते हैं सबमिट, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सबमिट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद देखिए किस तरीके से यहाँ पे डिटेल आएगा। तो देखिए सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद इस तरह के प्रोसेसिंग दिखाता है, उसके बाद ले नहीं रहा है, यानी कि एक और ऑप्शन खुल के आता है पर वो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको बार बार ट्राई करना पड़ेगा। और जैसे ही वो इंटरफेस खुल जाता है तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिखेगा रैंक का। ठीक है, तो चलिए आपको वो दिखा देता हूँ, स्क्रीन शॉट एक पड़ा हुआ है उसके हेल्प से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जितना बार भी सबमिट कर ले, अभी नहीं ले रहा है, तो आप बार बार ट्राई करते रहें वो खुलेगा। उसके बाद फिर जो इंटरफेस खुलेगा वो आपको दिखा देता हूँ कैसा रहेगा। देखिए जब इस तरह का एक पेज खुले आपका, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि चेक योर रैंक इस तरीके से दिखाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अटेम्प्ट और अनअटेम्प्ट दिखाएगा, ये दूसरे का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अभी जो मैंने डाला है वो डेटा तो नहीं दिखा रहा है। फिलहाल आपको क्लिक करते रहना है, ट्राई करते रहना, फिर आपको रैंक पर क्लिक करना है। ठीक है, चेक योर रैंक, यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा। चलिए अब उस पेज को आपको दिखा दूँ। अब जैसे ही आपका रैंक दिखाना शुरू करेगा, यानी रैंक पर आपने क्लिक किया, तो उसके बाद इस तरह का पेज खुलेगा और इसमें आपको दिखाएगा कितने में से कितना आपका रैंक है। ठीक है, चलिए यहाँ से आपको थोड़ा सा ये कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। देखिए जैसे कि जिस अभी कैंडिडेट का हमने यहाँ पे डाला है लिंक, उसका देखिए 759 रैंक दिखा रहा है, कितना में, 1431 में। ठीक है, 1431 में ये रैंक दिखा रहा है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन, यानी कि अभी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ है, तब 759 दिखा रहा है और 1431 लोग पार्टिसिपेट किए हैं इस जोन से। ठीक है, तो ये जिस जोन का है उस जोन में बहुत कम कैंडिडेट यहाँ पे पार्टिसिपेट किए हैं, इसलिए जितने कैंडिडेट हैं उनमें से
इनका रैंक कितना है 759। अगर ऑल इंडिया की बात करें तो देखिए यहाँ पे रैंक दिखा रहा है 100,000 लोग हैं, 102,634, जिसमें 47,000 इनका रैंक दिखा रहा है, और वो भी बिफोर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन होने के पहले। अभी ये हो सकता है नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़े या फिर घट जाए, दोनों ही पॉसिबल है। तो यहाँ से रैंक आप देख सकते हैं, और भी रैंक है, चलिए उसको भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैटेगरी रैंक, मान लेते हैं कि आप जिस कैटेगरी से हैं उसमें कितना आपका रैंक है। तो देखिए यूआर कैटेगरी से थे तो यूआर में अभी 368 लोगों ने चेक किया है, जिसमें से 231 रैंक बता रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर कैटेगरी रैंक बिफोर नॉर्मलाइजेशन, यानी पूरा इंडिया का बात कर लें तो 15,000 लोगों ने यूआर कैटेगरी से चेक किया है अभी तक, और उसमें इनका रैंक है 8,570, ठीक है, ये पूरा इंडिया का है। हालांकि आपको इंडिया वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका जोन वाइज हुआ है, ठीक है, ये एग्ज़ाम जोन वाइज हुआ है, तो जोन मेन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चलिए शिफ्ट रैंक देख लेते हैं, आप जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है। मान लेते हैं 8 सितंबर को आपका एग्ज़ाम था और सेकंड शिफ्ट में था, तो सेकंड शिफ्ट के बच्चे जो हैं वो कितने हैं, 844, जिसमें रैंक कितना है 416, ठीक है, 416 रैंक आपका दिखा रहा है। इस तरीके से इसको समझिएगा। यहाँ पे ब्रांच एवरेज, ब्रांच एवरेज में थोड़ा सा डाउट है, फिर भी जहाँ तक आइडिया मिला है, इसका मतलब होता है कि रैंक आईक्यू में जितने कैंडिडेट अभी तक उन्होंने अपना डेटा भरा है, तो सबका एवरेज जब निकाला गया तो 47 हो रहा है, यानी कि 100,000 लोगों का एवरेज जो आया है वो 47 आया है। तो इसमें और आगे क्या है, देखिए शिफ्ट का एवरेज, आप जिस शिफ्ट में बैठे थे उसमें कितने लोगों ने कितना नंबर पाया, तो ये एवरेज है, ठीक है, 48 नंबर। हो सकता है किसी का ज़्यादा हो और किसी का बहुत कम हो, तो सबका एवरेज निकाल के 48 दिखा रहा है, और ये एवरेज जितना कम रहेगा आपको नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा उतना मिलता है। कैटेगरी एवरेज देख लीजिए, कैटेगरी यानी यूआर के हैं तो यूआर में इनका जो कैटेगरी है वो यूआर कैटेगरी वालों का 51, ठीक है, 51 का एवरेज रहा है अभी तक। हो सकता है बाद में ये चेंज हो, जैसे जैसे लोग इसमें जुड़ते जाएंगे ये बदलते जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पे ब्रांच का टॉपर, यानी कि रैंक आईक्यू में जो टॉपर है, यानी कि रैंक आईक्यू में जितने लोग आए हैं उनमें टॉपर 92 आया है अब तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए शिफ्ट टॉपर जो है वो कितना है, शिफ्ट टॉपर 82 नंबर लाया है, यानी कि जिस शिफ्ट में कैंडिडेट बैठे थे उसमें 82 नंबर कोई कैंडिडेट लाया है, यानी कि 82 ही हाईएस्ट गया था उनके शिफ्ट में। उसके अलावा यहाँ देखिए एक है कैटेगरी टॉपर, यानी कि यूआर कैटेगरी से हैं तो उसमें कितना लड़का, यानी पूरा अब तक का जब जितना एग्ज़ाम हो गया सब में इनकी कैटेगरी से हाईएस्ट टॉप करने वाला लड़का कौन है, तो जो है उसका नंबर जो है वो 91 पॉइंट है। ये क्या है, ये है आपका नॉर्मलाइजेशन से पहले का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से ये पूरा डेटा है, और एक चीज़ आप जब इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये बदलते रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे डेटा देख लीजिए अभी शायद बदल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 102,634, ठीक है, ये अभी तक कैंडिडेट ने चेक किया है, तो एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब इसमें कुछ बदलाव आता है क्या। तो 102,634 में कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि अगर कुछ और लोग जुड़े होंगे, ठीक है, तो देखते हैं कितने लोग जुड़े हैं। तो 102,634 थे अभी तक, अब इसके बाद देखिए कुछ चेंज आया है या नहीं, तो जी नहीं, अभी तक तो चेंज नहीं आया। इसका मतलब है कि अभी साइट ठीक से काम नहीं कर रहा, या फिर लोग अभी नहीं चेक किए हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, जोड़िए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा यहाँ पर लोग चेक करेंगे आपको उतना पता चलेगा कि आपका रैंक कितना है, आप कितने लोगों से ऊपर हैं और कितने लोग जो हैं आपसे नीचे हैं, या फिर आपसे बराबर के हैं, सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में रैंक पता चलेगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए कि सबको आकर रैंक आईक्यू पर चेक करें। यहाँ से आपको शिफ्ट वाइज, रैंक वाइज, यानी शिफ्ट का रैंक, आपका कैटेगरी का रैंक, ऑल इंडिया रैंक, सब कुछ मिल जा रहा है। तो इसलिए यहाँ से आप ज़रूर एक बार चेक कर लीजिए, और लिंक जो है आपको मैंने सब कुछ बता दिया। हालांकि चेक करने का जो रैंक आईक्यू का लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और या फिर आप टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।